सरकार का फायदा उठा रहे हैं। आज कोरोना के नाम पर इनके गृह मंत्री का क्या जवाब है? आज ना ये ओबीसी के हितैषी है, ना ये ब्राह्मणों के हितैषी है, ना ये अनुसूचित जाति जनजाति के हितैषी है, तो सत्ता के लोभी हैं। सीधा स्पष्ट तौर पर अब ये शिवराज सिंह चौहान जी के और नरोत्तम मिश्रा के बयानों को दोनों को सुना जाए, जो मीडिया दिखाए, इन्हें जनता स्पष्ट जानती है कि चुनाव पूरे देश के अंदर हो रहे थे, जब कोरोना की आड़ लेके यहाँ हो रहा था, और जब कोरोना सबाब पर था, जब सत्ता के लोग लोभ के सत्ता को पाने के लिए भरे चुनाव को 28 सीटों पर चुनाव कराए गए, और उसके बाद मध्य प्रदेश में कोरोना और दूसरे वायरस और तमाम तेजी से फैले गए, जिससे लाखों लोगों ने मध्य प्रदेश में अपने परिवार को लोगों को खोया है। आज मेरे विद्वान साथी ये कह रहे थे अनन्या जी के इधर उधर की बात कर, अगर कोरोना में हर परिवार की अगर जान चली गई है, उनके न्याय दिलाने की बात इधर उधर की हो, तो ये इधर उधर की बात कांग्रेस करेगी। किसान जो लगातार बदतर स्थिति हो रही है, बीज आज मिल नहीं रहा, बिजली आज मिल नहीं रही, किसान की हालत आत्महत्या करने पर उजारू है। मध्य प्रदेश देश में एक आत्महत्या किसानों में नंबर वन है। अगर ये बात उठाना अगर इधर उधर की बात है तो कांग्रेस बात उठाती रहेगी, और इधर उधर की बात ना कर तू सीधी बात कर। अगर यही भारतीय जनता पार्टी का रास्ता होता तो एक तो चोर की दाढ़ी में तिनका दिखाई देता है, ये 5 दिन का सदन नहीं होता। सरकार में दम और मादा होती तो 1 महीने की विधानसभा लगती, जो पहले लोग लगाया करते थे, पहले की सरकार में विधानसभा चला करती थी, हर विपक्ष को, हर मुद्दे को, हर जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने का, और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अपनी बात का जवाब देने का मौका मिलता था। अब तो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए सदन लगता है, और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की पूरी जनता देख रही है। चलिए गोविंद मालू जी, कई सारे आरोप यहाँ पर कांग्रेस लगा रही है कि भाजपा ने जो है सदन चलने नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, मौका नहीं दिया बात करने का। 5 दिन सदन चला था लेकिन यहाँ पर मौका नहीं दिया गया कि विपक्ष कोई बात सत्ता पक्ष सुने। यहाँ पर क्या लगता है, क्या बीजेपी से जाने अनजाने में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कोई बड़ी चूक हो गई है जो अब डैमेज कंट्रोल को मजबूर हो गई है? अनन्या जी, मैंने पहले ही कह दिया कि बात जो मुद्दे की है, जो जनहित की है, उसको उठाने में कोई सरकार कभी नहीं रोकती। बहुत सारे प्रश्नकाल है, विशेषाधिकार हनन का भी मामला होता है, कुछ प्रश्न आप जो लगाते हैं उन पर भी जवाब दिया जाता है सदन में। अब आप बैठे हैं सदन में, आप तो वॉकआउट करके जाते हैं, आप सदन में बैठते नहीं, और बैठते तो हंगामा करते हैं, क्योंकि जब कटाक्ष आप पर होते हैं तो आप वो सुन नहीं पाते, झेल नहीं पाते, क्योंकि आप अपनी जो हठधर्मिता और जिस ढंग से अपने अज्ञान का प्रदर्शन उस सदन में करते हैं और चूहलबाजी में लगे रहते हैं, उसमें जनहित के मुद्दे कहीं गुम हो जाते हैं। सरकार पूरा अवसर देती, 5 दिन का भी समय, सरकार ने अपना बिजनेस निपटाया कि नहीं? आपने क्या किया? आपने तो कुछ मुद्दे ही नहीं उठाया। आप अनुपूरक मांगों पर, उस पर जो बात कहना चाहिए करना चाहिए, खेत की करते हैं, खलिहान की। मैंने वही कहा ना, अज्ञान और अज्ञान के अंधकार में आपके पास अनुभव और अभ्यास, इसकी कमी मुझे इस प्रतिपक्ष में दिखी। और यही नहीं, पूरे देश भर में, देश में भी यही हुआ। राज्यसभा किस तरह से बाधित की गई, लोकसभा में हंगामा किया गया और राज्यसभा में तो हद कर दी। जब आपके पास, जब आपको वहां रहना चाहिए, आप सदन से बाहर जा रहे हैं, सरकार अपना काम निपटा रही, तो आपने, आप तो और इसमें चले जा रहे हैं और जनता को भी छल रहा है। आपको जनता के सामने अब बाहर कहते हैं, हम बताएंगे पिछड़ा वर्ग वाले मामले में कुल मिलाकर जो गलती कांग्रेस ने की, उसका खामियाजा, उस सरकार का खामियाजा आज तक प्रदेश की पिछड़ा वर्ग भी भुगत रहा है, और हम इस, हमारी सरकार भी इससे संघर्ष कर रही है। उन्होंने कहा 27% आबादी, विधानसभा में कह रहे हैं, अरे भाई 52% आबादी पिछड़ों की, आप गलत बयानी करते हैं कोर्ट से, और कोर्ट में कहते हैं कि कोर्ट का निर्णय में खामी हो गई। जब आप खुद कोर्ट जा रहे हैं उस चुनाव को टालने की नीयत से, और आप कहते हैं हम तो गए थे रोटेशन पर, अरे उसमें ये आ गया तो क्या करें? अरे भाई आपने दरवाजा खोला, आपने रास्ता दिखाया, उसमें जब घुसा, अब उसमें 10 तरीके की उसमें स्क्रूटनी करेंगे वो लोग, तो ये आप गए क्यों और आपने क्यों कोशिश की? आप अभी भी यही काम कर रहे हैं कि किसी तरह से पंचायत चुनाव स्थगित हो जाए। आप कभी कोरोना की बात करते हैं कि ये चुनाव क्यों कराए, कोरोना में प्रतिबंध है,
कभी अपने अनुकूलता होती है उसकी बात करते हैं, तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं चलती राजनीति में। राजनीति में चलता है जनहित और जन कल्याण। जो जन कल्याण और जनहित से विरत होगा उसको जनता क्या सबक सिखाएगी, वो पिछले 28 उपचुनाव में देख चुकी है कांग्रेस। उसके बावजूद इनको समझ में नहीं आता है 50,000 से इनके लोग हार गए। ये जो कहते थे कि दल बदल करके गए और हमको धोखा दिया और हमसे हाईजेक कर लिया, वो लोग जीत गए भारतीय जनता पार्टी का बैनर पे। तो आप इनको इनको अमित शर्मा जी मेरे विद्वान साथी से पूछिए कि आज इन्होंने नरोत्तम मिश्रा जी का बयान सुना कि नहीं सुना। अगर आज नरोत्तम मिश्रा जी का ये बयान सुन लेंगे तो ये बातें नहीं करेंगे। इससे स्पष्ट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी ना पिछड़ों की सगी है, ना ब्राह्मणों की, ना अति पिछड़ों की और ना ऊपर के लोगों की। ये किसी के लिए तो सत्ता के लोग भी है। और आज अगर जिस सदन की बात कर रहे हैं तो आज करीब 7,145 प्रश्न लगाए गए अभी तक, तो कितने सरकार ने सदन में एकाध मंत्री खड़ा होकर बता देता कि कितने प्रश्नों के उत्तर दिए। मात्र 155 लोगों के उत्तर दिए। सरकार जब उत्तर नहीं देगी, जवाब नहीं देगी और सिर्फ सत्ता में रहने का अनुभव लेना और लोभ लेना चाहती है तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होंगी। चलिए रवि अवस्थी जी, इस 5 दिन की विधानसभा की कार्यवाही में कहां और किस बात पर विपक्ष की और साथ ही सत्ता पक्ष की बातचीत होना चर्चा होना जरूरी थी? देखिए, मैंने हालांकि मुद्दे कही थे और जैसा कि अभी अमित जी ने बताया कि इतने बड़ी संख्या में प्रश्न लगे थे, निश्चित तौर पर उनके लिखित सवाल जो उत्तर आए हैं। और जहां तक प्रश्नकाल की बात है तो कल से देखिए प्रश्नकाल पूरी तरह बाधित रहा, आज भी स्थिति लगभग वही रही। तो जहां तक प्रश्न पूछने की बात है और उत्तर मिलने की बात है तो जो बड़ा मुद्दा था वो यही था कि पिछड़े वर्ग को लेकर जो मामला उठाया गया था उस पर सरकार ने स्थगन प्रस्ताव जो विपक्ष की ओर से लाया गया तो उसमें चर्चा के लिए स्वीकार किया गया। लंबी चर्चा भी हुई, अनुपूरक बजट में भी लंबी चर्चा हुई। हालांकि अनुपूरक बजट में दूसरे दिन यानी कल जो चर्चा होनी थी वो नहीं, हंगामे के चलते नहीं हो सकी और उसको फिर बिना चर्चा के ही पारित करना पड़ा। इसी तरह जो महत्वपूर्ण एक अधिनियम और कल आया है उस पर भी चर्चा की जानी चाहिए थी लेकिन वो भी नहीं हो पाई। तो ऐसे जो महत्वपूर्ण 3-5 अधिनियम जो इस सत्र में लाए गए हैं वो बिना चर्चा के पारित हुए, बाकी में लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और मैं मानता हूं कि इस तरह की उस पर चर्चा होनी चाहिए लेकिन इसमें ये तभी संभव है जब सदन पूरी तरह शांतिपूर्वक चले, और अगर हंगामा शोर शराबा होगा तो निश्चित तौर पर इस तरह की स्थितियां तो बनेंगी। अन्य रविवती जी, एक चीज और समझना चाहूंगी मैं आपसे कि इस वक्त जो है 5 दिन में आरक्षण का मुद्दा लगभग हर रोज उठा, और ऐसे में क्या लगता है पंचायत चुनाव को देखते हुए या फिर आगे के चुनाव जो आगामी चुनाव उनको देखते हुए ये आरक्षण का मुद्दा जो है कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों पर हावी हो गया और सभी प्रश्नों के प्रश्नकाल जो है पूर्ण बाधित रहा? अब ऐसे में क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है ये आगे चलकर और कितना यहाँ पर बड़ा मुद्दा बनकर सामने आएगा अगर आगामी चुनाव को देखा जाए, आगामी समय को देखा जाए तो? देखिए अनन्या, आपने काफी गंभीर सवाल करा है और ये पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि लगभग न केवल मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्य सरकार भी जातिगत वोटों को हासिल करने के लिए आरक्षण के मुद्दे को बढ़ावा देती है और मध्य प्रदेश में भी पिछली बार यही देखा गया। लेकिन कोर्ट ने जो बड़ा सवाल आपके सामने खड़ा किया वो यही है कि जैसे अगर आप मान लीजिए कि 27% आरक्षण की बात कर रहे हैं ओबीसी को तो आपके प्रदेश में आबादी कितनी है इस वर्ग की, ये नहीं बता पाए। किसी राज्य में इस तरह की गणना नहीं हुई। केवल SP SC को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में आजाद भारत में आज तक जो है 70-80 सालों में आज तक जनगणना में जातिगत जनगणना नहीं हुई जिसमें यह तय किया जाता है कि ओबीसी की आबादी कितनी है। एक अनुमान के आधार पर आप कहते हैं कि साहब 52% आबादी है और हम 27% आरक्षण कर रहे हैं तो ये इसको कोर्ट नहीं मानेगा ना, कैसे मानेगा आप बताइए। तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं आगे चल के भी आम चुनाव में भी दिक्कत देगा क्योंकि सरकार अभी भी देखिए आप मध्य प्रदेश सरकार को ही देख लीजिए, लगातार जो है हाईकोर्ट से स्टे हो रहा है बावजूद इसके चाहे MP PSC की परीक्षाएं हो या दूसरे विभागों की परीक्षाएं हो। केवल 3 विभागों को अभी 3 दिन पहले जब नगरी आवास विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने तो जब ये पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई कोर्ट ने जो 3 विभागों का जो स्टे दिया था उनको छोड़ के हम सब में 27% कर रहे हैं लेकिन बाद में उन पर स्टे हो गया। तो आप क्यों कर रहे हैं भाई, आप 27% के चक्कर में वो जो 13% को लाभ मिलना था वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो इस तरह की विसंगति पूर्ण जब आप हठधर्मिता अपनाते हैं तो निश्चित तौर पर इसके दुष्परिणाम
बेरोजगारों को भी भुगतने पड़ेंगे और आम जनता को भी भुगतने पड़ेंगे। और अनन्या वास्तव में इस दिशा में एक सार्थक निर्णय होना चाहिए कि आपका डाला कितना आरक्षण देना चाहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी स्थिति में आप 50% से आरक्षण ज्यादा नहीं कर सकते। तमिलनाडु को छोड़ दिया जाए तो किसी राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है, बावजूद इसके चाहे महाराष्ट्र हो मध्य प्रदेश हो लगातार इस तरह के प्रयास होते रहे हैं। और इसी यही वजह है कि चाहे पंचायत चुनाव हो, अभी नगरीय निकाय के चुनाव में भी यही स्थिति बनेगी, आम चुनाव में भी यही स्थिति बनेगी। तो स्वाभाविक तौर पर इस पर विचार किया जाना चाहिए, राजनीतिक दलों को इस पर गंभीरता से मंथन करना चाहिए। अमित शर्मा जी, शीतकालीन सत्र के दौरान जो है सियासी तौर पर बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, आखिर किसने क्या खोया क्या पाया, यह सवाल इसलिए क्योंकि पॉलिटिक्स में परसेप्शन जो है बहुत मायने रखता है और धारणा यही बन रही है कि जीवंत और ज्वलंत मुद्दों से जो है ध्यान हटा दिया जाता है। कुछ जिम्मेदारी तो आप लोगों की बनती है कि इस सत्र में जो है कोई ऐसे मुद्दे उठाए जाए जो की जनता के हित के हों। देखिए अनन्या जी, सदन की प्रतीक्षा हर जनप्रतिनिधि और आम जनता भी करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो आम जनमानस की नई नई योजनाओं की बात होती है, आम जनमानस को कुछ ना कुछ मिलने की नई प्रगति उन्नति, प्रदेश को एक नए प्रतिलक्ष्य पर लेकर खड़ा करने की बात इस सदन की होती है। मैं आपको बता दूं कि आज सरकार ने ऐसा ड्राफ्ट तैयार करा, आनन फानन में क्या आवश्यकता थी, लंबे 2.5 वर्षों से चुनाव नहीं हुए, अगर 15 दिन और नहीं होते लेकिन सरकार सही तरीके से ड्राफ्ट करती, आरक्षित करती, आरक्षण करती और उसके बाद चुनाव आयोग को भेज देती, अगर उसमें गलती नहीं होती तो लोग अदालत क्यों जाते और अदालत को फिर टिप्पणी करने की या आरक्षण के मामले में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता क्या थी। इससे स्पष्ट होता है कि अगर सरकार की किसी भी निर्णय पर अदालत करता है तो सरकार फेलियर घोषित होती है। तो निश्चित तौर पर जनहित और जनमानस की योजनाओं और या उनकी कोई भी बात को अगर सदन में उठाने की बात होती है तो पहले से जो क्वेश्चन जनप्रतिनिधि लाते हैं, सरकार का नैतिक दायित्व होता है कि उनके प्रश्नों का जवाब दे, और अगर सरकार जवाब नहीं देगी तो सदन में माननीय अध्यक्ष महोदय के सामने लोग एकत्रित होकर अपना जवाब मांगेंगे। चलिए गोविंद मालू जी, यही सवाल मेरा आपसे रहेगा, थोड़ी टिप्पणी। हेलो जी गोविंद मालू जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि पॉलिटिक्स में जो है परसेप्शन बहुत मायने रखता है, ऐसे में धारणा यही बन रही है कि जीवन से ज्वलंत मुद्दों पर जो है ध्यान हटा दिया जाता है, ऐसे में सत्ता हो चाहे विपक्ष हो आपकी जिम्मेदारियां बनती है कुछ नहीं? सत्ता तो कैसे हटा देगी, ध्यान हटा दी तो इतने सारे विधेयक पास नहीं होते, अनुदान की मांग जो 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 हमारे दूसरे प्रस्ताव थे वो पास नहीं होते, जो अलग अलग विभागों में जो अनुपूरक मांगे थी या उन पर जो विधानसभा में पारित कराना था वो पास नहीं होते। हम तो जनहित और जनकल्याण की बात करते हैं, अब विपक्ष का काम है कि वो उसमें से कमी खामी निकाले या मार्गदर्शन दे। कुल मिलाकर केवल आलोचना करने से काम नहीं चलता, उसको ठीक करने से, यदि कहीं कोई गलती है तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन गोविंद मालू जी, कई आपके देखिए अगर देखा जाए यहाँ पे तो कई सारे सवाल थे इस जवाब के मंत्री ने दिए थे जिससे विपक्ष में संतुष्ट नहीं था, इसमें कई जगह कई मौके ऐसे भी आए जब आपकी पार्टी के विधायकों ने आपसे सवाल मंत्री सवाल किए लेकिन वहां पर तो कोई संतुष्टि भरा उनका जवाब नहीं मिला उसमें। देखिए 100% सब कुछ हम कहेंगे ऐसा चलेगा जब हमारे विधायक भी बोल रहे हैं और उनसे संतुष्ट नहीं आ रहे, तो ये तो बहस होती है, यही तो लोकतंत्र में यही तो खास बात है उस फोरम की, यही पवित्रता है उस जन लोकतंत्र की, लोकतंत्र की ख्याति भी इसी से होती कि हमारा आदमी हमारा विधायक पार्टी का रूलिंग पार्टी का विधायक भी असहमत हो तो ये कितनी अच्छी बात है कि उसकी सुनी जा रही है, तभी वो बोल पा रहा है, जब बोल पा रहा है सदन में उसको बोलने का मौका मिल रहा है असहमति का, तो इनको क्यों नहीं मिलेगा। ये इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ इनको अध्ययन करना पड़ेगा, इनको ये सब बाकी चकल्लत से छोड़कर और केवल चरण चुम्बन की जो आदत पड़ गई इन लोगों की, गांधी परिवार की और बाकी चाटुकारिता की, उसको छोड़कर अब देखिए सदन तो चल रहा था, कितना गंभीर है इनके नेता प्रतिपक्ष कि उस दिन वहां चले गए लखनऊ। अरे जब सदन चल रहे हैं तो आपके विधायकों को आप ओरिएंटेशन दीजिए, उनको बताइए कि क्या उठाना है क्या करना है, कल की रणनीति क्या होगी, उसके बजाय आप सोनिया गांधी वहाँ हैं और वहाँ पर लखनऊ में कोई कांग्रेस के कार्यक्रम है या नैया टिप्पणी उत्तर प्रदेश में वहाँ जा रहे हैं। गोविंद जी इसको समझ लेते हैं, रवि अवस्थी जी इस पूरी विधानसभा के बाद क्या लगता है कि जो प्रश्न नहीं हुए या फिर जो भी बातें छूट गई हैं, अब जैसा भी ये 5 दिन का सत्र रहा है ऐसे में अब आगे राजनीतिक दलों में क्या किसी की तैयारी रहेगी, चुनाव की रहेगी या फिर जो फिलहाल में विकास के मुद्दे हैं उन पर चुनाव लड़ा जाएगा, आरक्षण का मुद्दा जिस तरीके से कांग्रेस उठा रही है लगातार, पिछली बार भी ऐसे मुद्दों पर सिमट गया था चुनाव और सारी राजनीति जो है वही चुनाव के तक सीमित रह जाती है, तो क्या लगता है कि आगे चलकर जो मुद्दे रह गए, एक हमीदिया का बड़ा मुद्दा था जो उठना था, कई सारे यहाँ पर मुद्दे जो थे आदिवासियों के लिए भी थे, ऐसे में क्या लगता है कि इस वक्त आदिवासी और जो ये पिछड़ा वर्ग है इसको लेकर दोनों ही पार्टियां इतना
फोकस क्यों है, इसके अलावा कुछ दिख नहीं रहे हैं लोग इस वक्त में? मैंने हालांकि अभी आम चुनाव में काफी वक्त है और अभी जनवरी फरवरी में भर्ती में जो है वो मार्च में आपका बजट सत्र आना है, तो निश्चित तौर पर अभी विधानसभा के और भी सत्र होना है, तो जहां तक इस सत्र का सवाल है तो मुझे नहीं लगता कि जो पिछड़ा पंचायत चुनाव का जो बड़ा मुद्दा इसमें रहा है, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर इसमें जो कानूनी मैच मौजूद हुआ है, तो तमाम ऐसे मुद्दों को सुलझा के, और मुझे लगता है कि आने वाले